अभी हमारे साथ एक पेशेंट मौजूद है जो कि किडनी की ही पेशेंट है, जो कि एक बच्ची है। सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा। शीतल। आप कहाँ से? पलवल से। पलवल। तो अभी जो है इनके मामा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर आप लोग कहाँ से आए हैं फिलहाल? पलवल में गांव से आए हैं, गुदराना गांव से। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम थी इनको? मैम इसको प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी इसको। मतलब स्टार्टिंग में इसको किडनी की प्रॉब्लम है, सो इसको प्रोटीन लॉस हुआ था, तब हमें इसको मालूम हुआ कि इसके किडनी की दिक्कत है। अच्छा, तो इससे पहले भी आप कहीं कहीं गए होंगे? कहाँ गए? हमने आगरा भी दिखा चुके हैं, हम एम्स में भी दिखा चुके हैं और जयपुर भी दिखा चुके हैं इसको। और हमने इसको आगरा दिखाया था तो वहाँ पे हमने इसको भर्ती किया था। मतलब इसको प्रॉब्लम एक साल हो गई इसको। अच्छा। किडनी की प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे इसकी 4-5 बार डायलिसिस भी हो गई थी। तो किडनी की प्रॉब्लम हुई तब इसका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो 13 था। अच्छा। तो फिर डायलिसिस 3-4 बार हुई थी तो इसका क्रिएटिनिन लेवल 1.5 के करीब आ गया था। तो इसकी दवाई चलती रही, फिर कुछ दिन दवा चलने के बाद फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। अच्छा। तो फिर हमने सोचा कि अब एलोपैथिक में तो होगा नहीं, फिर हम आयुर्वेदिक की तरफ गए। तो हमने फिर यूट्यूब पे देखा था रुद्रवंजी। अच्छा। के बारे में, तब हम यहाँ पे आए। यूट्यूब के माध्यम से ही आपको पता चला। तो फिलहाल अभी कितने साल? 15 साल की है। एक 15 साल की बच्ची या लड़की या जैसे भी कहें आप, उन्हें किडनी की प्रॉब्लम है और इसमें कितनी ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ती है आप इस बच्ची के मुंह से ही जान लेते हैं। बच्चे इससे पहले आपको कोई पेन वगैरह भी कैसे कुछ फील होता था इससे? तो आप जब यहाँ आए तो कैसा लगा? यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे ट्रीट किया? क्या बोला था उस वक्त में आपको? क्या बोला था सर डॉक्टर साहब ने? ये बोला था कि मतलब इसको किडनी के अलावा इसको थोड़ी यूरिन की समस्या है, यूरोलॉजी की भी समस्या। तो सबने बोला था कि हम इसको 15 दिन की दवा देते हैं, अगर हम फायदा होता तो हम आगे ट्रीटमेंट चलाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। अच्छा। तो आफ्टर 15 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद इसका जो क्रिएटिन लेवल था 4.59 था। आफ्टर 15 दिन के बाद दवा लेने के बाद इनका क्रिएटिन लेवल आ गया था 1.91। तो हमें इम्प्रूवमेंट लगा, तो सर ने फिर 1 महीने की दवा और दी। फिर 1 महीने की दवा देने के बाद इसका और फाइनल जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 1.61 है। मतलब बहुत आराम है इसको। पहले पेट में दर्द रहता था, मतलब प्रोटीन लॉस भी होता था, अब उसमें बहुत फायदा है इसको। अब इम्प्रूवमेंट है। तो जहाँ पहले गए थे जिन डॉक्टर्स के पास में, उन डॉक्टर्स का क्या कहना था इनके बारे में? उन डॉक्टर्स का ये कहना था कि मतलब इसका एलोपैथिक में मतलब कोई इलाज है ही नहीं, मतलब इसकी मतलब जीवन भर दवाई चलती रहेंगी, उन्होंने ये कहा था। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिलहाल इम्प्रूवमेंट दिख रही है। तो इन पेशेंट से बात करके मेरे को जो बात पता चली है वो ये भी है कि 45 डेज के अंडर में इस बच्ची का जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 4.59 और अब इसका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 1.6 पहुंच चुका है। तो ये एक खुद में ही बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी इंसान को ठीक करने के लिए। और नेशनल खबर की टीम जो है आपके साथ ऐसे और पेशेंट्स को साझा करती रहेगी जो इम्प्रूव होते जा रहे हैं, जिससे कि आपको भी एक सटीक जानकारी मिल सके कि आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आप कितने प्रतिशत ठीक हो सकते हैं या फिर कितने प्रतिशत आप इम्प्रूव हो सकते हैं।